के अंदर हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है वाक्य तथा वाक्य के प्रकार। तो हमने पहले शब्द संरचना में देखा था कि शब्द किस तरह से बनते हैं और शब्द में नया परिवर्तन किस तरह से आता है और वाक्य जो है उसको सही मेल से, यानी जो शब्द है उसको सही मेल से, सही जगह पर रखने से सही वाक्य बनता है। जिस तरह से वर्ण और स्वर को मिलाकर शब्द बनते हैं, उसी तरह से शब्द में नया परिवर्तन लाने के लिए हमने देखा था कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि के द्वारा शब्द में निर्माण, शब्द का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर वाक्य तथा वाक्य के प्रकार, यानी वाक्य किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है। यानी मैं आपको उदाहरण दूं, जिस तरह से कि मेरा नाम मनीषा है, तो जो वाक्य है उसका अर्थ भी निकलता है और समझ में भी आता है कि आखिर वाक्य कहना क्या चाहता है। लेकिन मैं इस तरह से कहूं कि नाम है मेरा मनीषा, तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं। तो यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में एक ऐसा वाक्य दिया गया है कि भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। उदाहरण दिया गया है कि भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। यानी इस वाक्य से एक विचार प्रकट होता है कि भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। अगर इसको इस तरह से लिखा गया कि संस्कृति अत्यंत भारत की प्राचीन है, तो उस वाक्य का अर्थ प्रकट नहीं होता या उसका विचार प्रकट नहीं होता। उसी तरह से आगे दिया गया है कि वाक्य के प्रमुख तत्व है। आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि वाक्य के प्रमुख तत्व, तो कौन कौन से तत्व है वो हम देखेंगे। वाक्य के प्रमुख तत्व, तो उसमें पहला है सार्थकता, दूसरा है कि योग्यता, तीसरा दिया गया है आकांक्षा, चौथा है, यहां पर हमने लिखा सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, और चौथा है निकटता, और पांचवा है कि पद क्रम, और छठा यहां पर दिया गया है अन्वय। तो यहाँ पर सार्थकता मतलब जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द जो है वो कुछ अर्थ प्रकट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि निरर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपकी टेक्स्ट में एक उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह से कुछ पानी पीकर जाना, यहाँ पर दिया गया है कुछ पानी पीकर जाना। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है वो निरर्थक है, यानी उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वाक्य में रखने पर वो सार्थक बन जाता है, यानी उस इस वाक्य का अर्थ निकल जाए। अगर हमारे घर कोई आता है तो हम कहते हैं कि पानी पीकर जाना, चाय पानी करके जाना, खाना खा के जाना, तो इस तरह से उस वाक्य का अर्थ निकलता है। आगे दूसरा है योग्यता। तो यहाँ पर योग्यता का मतलब है कि वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेती हूँ, तो उस उदाहरण में दिया गया है कि मैंने पानी खाया। तो यहाँ पर जो दिया गया है योग्यता कि मैंने पानी खाया, तो आपकी टेक्स्ट में दिया गया है कि वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्य होनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर मैंने पानी खाया, तो उसमें कहा गया कि वाक्य के प्रयुक्त तीनों शब्द सार्थक है, पर शब्दों के इस समूह में वांछित अर्थ देने की योग्यता या क्षमता नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर मैंने पानी खाया, खाया शब्द नहीं आता, लेकिन क्या आता है, मैंने पानी पिया, तभी वो सार्थक बनता है। आगे है आकांक्षा।
तो आकांक्षा का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि जिस तरह से चाहता है दूसरा है ना, चाहता है वह पढ़ना चाहता है। तो यहां पर आप देखोगे कि चाहता है तो क्या चाहता है, आकांक्षा होती है कुछ प्रश्न पूछने की कि वह क्या चाहता है, जिस तरह से पढ़ना चाहता है तो कौन पढ़ना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वह पढ़ना चाहता है वो आकांक्षा जो है पूरी हो जाती है, वह पढ़ना चाहता है, सामने वाला व्यक्ति जो है वो पढ़ना चाहता है। आगे निकटता, यानी कहने का मतलब है कि वाक्यों में जो शब्द है उन शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। कई बार हम वाक्य इतनी स्पीड में बोलते हैं कि वाक्य का अर्थ क्या होता है या वाक्य क्या कहना चाहते हैं वो भी हमें पता नहीं चलता, या कई बार इतनी धीमी धीमी गति से हम बोलते हैं तब भी वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता, इसीलिए वाक्य के अंदर निकटता होनी जरूरी है। दूसरा है पद क्रम संबंधी, तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है। तो यहाँ पर पद जो क्रम है यानी जितने भी शब्द है वो उसके आधार पर यानी जो पद क्रम संबंधी होते हैं उसके आधार पर लिखे गए हैं। यहाँ पर इस तरह से किया जाए केवल एक पत्र लिखा है मैंने, तो उसका अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पर मैंने केवल एक पत्र लिखा है, सिर्फ एक ही पत्र लिखा है, दूसरा पत्र नहीं लिखा और पत्र के अलावा कुछ और मैंने नहीं लिखा। आगे है अन्वय, तो यहाँ पर अन्वय में मतलब है दान दिया गया है कि हम खाना खाता हूं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कर्ता और क्रिया के बीच मेल नहीं है, यहाँ पर कर्ता है हम और क्रिया है खाता हूं, तो यहाँ पर क्रिया कैसी आएगी कि हम खाना खाते हैं, तभी जो वाक्य है वो सही हो सकता है। तो यहाँ पर हमने वाक्य के प्रमुख तत्व देखे, अब उसके बाद आगे हम देखने जा रहे हैं कि वाक्य के घटक, तो वाक्य के घटक कौन से हैं वो हम देखते हैं कि वाक्य के घटक, तो जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उसे वाक्य के घटक कहा जाता है। कहा जाता है कि शब्द संरचना की जो प्रक्रिया है, शब्द संरचना की दृष्टि से वाक्य के घटक यहाँ पर मिलते हैं, तो संरचना की दृष्टि से दो घटक मिलते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य का मतलब है वाक्यों में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उसका उद्देश्य है। दूसरा है विधेय, तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा कोष्ठक दिया गया है उदाहरण के साथ, कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिसमें दिया गया है कि सचिन आपके स्कूल आ रहा है, तो यहाँ पर सचिन कौन है, कर्ता है, आ रहा है वो क्रिया है और उसके बाद स्कूल जो है वो कर्म है और विस्तार है आपके, तो यहाँ पर इस तरह से उद्देश्य और विधेय, तो जो उद्देश्य है उद्देश्य के अंदर कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है और जो विधेय है विधेय के अंदर क्रिया क्रिया का विस्तार कर्म और कर्म का विस्तार आता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए हैं उसे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया गया है। वाक्य के प्रकार कितने हैं, एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर, रचना के आधार। तो यहाँ पर जो अर्थ के आधार पर है उसके अंदर 8 पेटा विभाग दिए गए हैं, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पर एक दिया गया है कि विधान वाचक वाक्य, पहला है अर्थ के आधार पर, उसके अंदर है विधान
वाचक वाक्य, वाचक वाक्य। तो उसकी जो है विधान वाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य होने का अथवा करने का सामान्य प्रथम हो उसे विधान वाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि प्रियोदा सेवा भावी है, तो यहाँ पर कौन सा विधान उत्पन्न होता है? सेवा भावी का। उसी तरह से दूसरा है निषेध वाचक वाक्य, दूसरा है निषेध वाचक वाक्य। तो उसकी व्याख्या है कि जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो उसे निषेध वाचक वाक्य कहा जाता है। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर कि मैंने खाना नहीं खाया, मैं बाहर नहीं जाने वाली या मैं बाहर नहीं जाऊंगी, तो जहां पर नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहा जाता है? निषेध वाचक वाक्य। आगे है कि प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। यानी यहाँ पर कोई भी वाक्य हो जिसमें इन शब्दों का उपयोग होता है, कौन, क्यों, कब, कहाँ, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जिस तरह से उन शब्दों के अंदर कौन, कब, क्यों, कहाँ, किस तरह, किस लिए, क्यों, तो इन शब्दों का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जिस तरह से उदाहरण है कि राजा का नाम क्या है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आखिर राजा का नाम क्या है। दूसरा है कि इस नगरी का राजा कौन है, तो जिस तरह से क्या, कौन, कहाँ, तो इन शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। आगे है विस्मयादिवाचक वाक्य, कौन सा है? विस्म यादि वाचक वाक्य। यानी इस वाक्य के अंदर जो शोक, हर्ष, धुना, क्रोध ऐसे शब्द उत्पन्न होते हैं, जिस तरह से वाक्य सुनने से पता चलता है कि शोक अनुभव होता है या खुशी अनुभव होती है, जिस तरह से यहाँ पर कहा जाए कि वाह कितना सुंदर फूल है, तो यहाँ पर उस फूल को देखकर हमारे चेहरे पर जो खुशी आती है, तो जिस तरह से वाह शब्द है, ओ अरे, उसके बाद जो उद्गार चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहा जाता है। आगे है इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। यानी जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामनाएं या सा आदि अभिव्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जिस तरह से उदाहरण देखते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी हम किसी को शुभकामना देते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। दूसरा उदाहरण है कि गुरुजी आ जाए तो अच्छा, यानी मेरी इच्छा है कि आज जिस गुरुजी का लेक्चर है वो गुरुजी आ जाए तो अच्छा है। दूसरा है भगवान करे तुम सफल हो, तो यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं कि भगवान करे जो तुम कार्य कर रहे हो उस कार्य में तुम सफल हो। आगे जा तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, यानी यहाँ पर क्या दिया गया है? अभिशाप दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ खराब करता है तो हम कहते हैं कि स्वर्ग में तो जगह नहीं मिलेगी लेकिन तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। आगे है कि संदेहवाचक वाक्य, यानी इन वाक्य के अंदर संदेह प्रकट होता है। जिस तरह से कि संभवतः आज वर्षा होगी, क्या वर्षा हो सकती है या नहीं भी हो सकती, यानी संदेह है कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। दूसरा वाक्य है कि लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। अगर किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि जो जानी पहचानी या कहीं पर देखी हुई हो, तो हम संदेह प्रकट करते हैं कि इस व्यक्ति को कहीं मैंने देखा है, देखा भी है और नहीं भी देखा, वो हमारा संदेह है। इसीलिए वो वाक्य कैसे है? संदेहवाचक वाक्य। आगे है संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक
वाक्य। इसके अंदर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, यानी एक वाक्य से दूसरे वाक्य को संकेत किया जाता है। जिस तरह से उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा कि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, यानी यहाँ पर जो परिश्रम करोगे वाक्य है वो किस पर निर्भर है, संकेत किया गया है कि अगर आप परिश्रम करोगे तो ही सफलता प्राप्त होगी। यानी यहाँ पर दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है, यानी एक दूसरे से संकेत कर रहे हैं। जिस तरह से यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल अच्छी होगी, यानी अगर वर्षा अच्छी होती है तो फसल अच्छी होगी। यहाँ पर वर्षा अच्छी होने पर संकेत दिया गया है कि अगर वर्षा अच्छी होती है तो संकेत दिया गया है कि फसल भी अच्छी होगी। आगे एक आज्ञावाचक, आज्ञावाचक अथवा अथवा विधिवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देशन आदि का भाव प्रकट हो, यानी इस वाक्य के अंदर जो है आज्ञावाचक वाक्य, तो उसके अंदर आप किसी को प्रार्थना कर रहे हो या किसी से अनुमति मांग रहे हो, ऐसे वाक्य यहाँ पर आप लिख सकते हो। जिस तरह से कि तुम जा सकते हो, तो ये क्या है, अनुमति दी है हमें जाने की। उसके अलावा है कृपा मेरी सहायता कीजिए, यानी हम किसी संकट में है और सहायता के लिए दूसरों को प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अर्थ के आधार पर जो वाक्य है, विधानवाचक वाक्य, निषेध, प्रश्नवाचक, विस्मयादि, इच्छावाचक, संदेशवाचक, संकेतवाचक और आज्ञावाचक, इन सभी वाक्यों को समझने का प्रयत्न किया। अब आगे है कौन सा, रचना के आधार पर कौन से वाक्य हैं, रचना के आधार पर। तो पहला वाक्य कौन सा है, सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। इसका मतलब है जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। सरल वाक्य के अंदर यहाँ पर आपको उदाहरण दिए गए हैं, जिसके अंदर वाक्य के उद्देश्य में कर्ता, कर्ता का विस्तार तथा विधेय की क्रिया और क्रिया का विस्तार, कर्म और कर्म का विस्तार आदि आते हैं। जिस तरह से यहाँ पर भगवान ने पढ़ा, तो भगवान वो कर्ता है और क्रिया कौन सी है, पढ़ने की। दूसरा है भार्गव पढ़ रहा है, तो यहाँ पर भार्गव जो कर्ता है और क्रिया क्या है, रहा है और विस्तार पढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। आगे है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य के दो उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक, योजक, अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो, यहाँ पर संयुक्त वाक्य का मतलब है दो वाक्य जोड़ते हैं। जिस तरह से यहाँ पर और, जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो, तो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा गया है। जिस तरह से यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, मैं हूँ सत्य केतु और पत्नी है कामना, तो यहाँ पर और तो, यानी इन सभी शब्दों को दो वाक्य जोड़े जाते हैं। आगे है मिश्र वाक्य, तीसरा कौन सा है, मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर जो मिश्र वाक्य दिया गया है, इसमें जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसके एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। यानी उसके अंदर एक वाक्य से ज्यादा या दो वाक्य से ज्यादा वहां पर वाक्य मिलते हैं, तो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है, मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो, तो ये कैसा है, मिश्र वाक्य है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा
कि जो रचना के आधार पर वाक्य है, कि जिस तरह से रचना सरल वाक्य की रचना होती है, संयुक्त वाक्य की रचना होती है, मिश्र वाक्य की रचना होती है, यानी यहाँ पर जो सरल वाक्य है उसके अंदर एक वाक्य का बोध होता है, संयुक्त वाक्य के अंदर दो वाक्य दिखाई देते हैं और उसके बाद मिश्र वाक्य है जिनके अंदर दो से ज्यादा यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य की रचना की जाती है। तो यहाँ पर वाक्य तथा वाक्य के प्रकार जो आपका व्याकरण का टॉपिक है वो हमने समझने का प्रयत्न किया। थैंक यू वेरी मच।